आदरणीय रामविचार नेताम जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष भैया लल्लन सिंह जी हमारे साथ इस रथ यात्रा को गति प्रदान करने वाले, लगातार इस यात्रा में चलने वाले आदरणीय मोतीलाल साहू जी, भाई अनुराग सिंह जी दी, आज के इस विषय कार्यक्रम में उपस्थित भैया अनिल सिंह मेजर जी, अखिलेश सोनी जी, अंबिकेश जी, हमारे गोपाल राम जी जो हमारे साथ में विधायक थे पहले, और सेना की नौकरी को छोड़कर आए नौजवानों के बीच में परिवर्तन का अलख जगाने वाले सम्मानीय राम कुमार टोप्पो जी, नाम बहुत है यहाँ के माननीय मंडल अध्यक्ष महोदय, मंडल के सभी पदाधिकारीगण पूरे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से, गांव गांव से आए, कोने कोने से आए, भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों, एक नारा आप मेरे साथ में लगाएंगे। ये नारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समर्पित है। मैं कहूंगा कि तेरे चेहरे में जो लाली है, तो आप कहेंगे कि शराब की दलाली, और तेरे चेहरे में जो लाली है, तेरे चेहरे में जो लाली है, भाई और बहनों, जवान मित्रों, आपने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। पूरे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, गांव गांव में आप सब लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने आरती उतार करके तिलक लगा करके अभिनंदन किया। हमारे आदिवासी भाइयों ने पारंपरिक ढंग से अपने बाजे गाजे के साथ में अभिनंदन किया। हमारे नौजवान मित्रों ने, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाल करके अभिनंदन किया। हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सबके प्रति अत्यंत विनम्रता से आभार व्यक्त करते हैं। भाई और बहनों, यह परिवर्तन का रथ 15 तारीख से माता खुड़िया देवी का आशीर्वाद लेकर के स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव के माल्यार्पण करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करके ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई। हमने परिवर्तन यात्रा क्यों निकाला है, परिवर्तन यात्रा निकालने का हेतु और उद्देश्य क्या है? परिवर्तन यात्रा हमने इसलिए निकाला है कि आज जिस जननायक का जन्मदिन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, हम इस यात्रा में उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय मोदी जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लगातार देश की सेवा में व्यस्त रहे, यह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज की इस जनसभा की ओर से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। एक तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है देश के अंदर में, उस जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाना, गांव गांव तक पहुंचाना, और दूसरी तरफ दुर्भाग्य है, दूसरी तरफ दुर्भाग्य है जिस छत्तीसगढ़ राज्य को इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है, कमल छाप ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण
अटल जी ने इसलिए नहीं किया था कि भ्रष्टाचार हो, इसलिए नहीं किया था कि यहां घोटाला हो। अटल जी ने छत्तीसगढ़ बड़े मन से बनाया, समाज का अंतिम छोर में